हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना ये जो डीओ का हेडलाइट है, आप देख सकते हो इसमें ऑलरेडी प्रोजेक्टर इंस्टॉल है, वो ख़राब हो चुका है। तो हम लोग अभी इसमें कुछ अलग करने वाले, तो आज का वीडियो ये लाइट के ऊपर रहने वाला। तो चलिए पहले लाइट को खोल के लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हमारा लाइट है गाड़ी का। इसके अंदर ना पानी चला गया था पूरा, कहीं से तो अभी लीकेज है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इसको हीट गन से गर्म करके ये खोल के लेते हैं। अब देख सकते हैं हम लोग का लाइट खोल के हो गया। तो अभी हम लोग पहले तो क्या करेंगे, प्रोजेक्टर खोल के लेते हैं, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। तो देख सकते हैं ये प्रोजेक्टर खुल गया है। तो हम लोग अभी ये एंटर का लाइट है, ये डीओ की लाइट में बिठाने वाला है। तो ऐसा कुछ ये लाइट हम लोग ने लिया, ये सेकंड हैंड लाइट है, नया नहीं लिया है, पर ये ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं टीवीएस का ब्रांडिंग है इसके ऊपर। तो अभी क्या करते हैं, इसको भी खोल के लेते हैं। अभी हम लोग का ये लाइट भी खोल के हो गया है, आप देख सकते हो इसका कुछ एक अंदर काला पीस भी रहता है, ये भी हम लोग ने खोला है। तो अभी क्या करेंगे मालूम है, ये लाइट देखो इसमें एक दो और दो ऊपर की तरफ, ये स्क्रू है चार ऐसा, ये खोल के ये हम लोग को साइड में लेना है। ये पीछे वाला हमारे कुछ काम का नहीं है, हमें सिर्फ ये अंदर वाला ही वो लाइट में बिठाने का है। चलिए क्या करते हैं, इसको खोल के लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं लाइट डीओ के लाइट में लगाने के बाद ऐसे कुछ लग रहा है, तो क्या ये फिट नहीं हो रहा है, हम लोग को ना थोड़ा एडजस्टमेंट करके कटिंग करना पड़ेगा इसके हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा टच हो रहा है, सेम उसी साइड पे हो रहा है। तो चलिए पहला क्या करते हैं, मार्किंग करके लेते हैं और फिर इसको कट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं डीओ का लाइट है, ये हम लोग ने कट करके लिया है। अभी ये प्रॉपर इसमें वो लाइट बैठ रहा है एंटोर का, तो ऐसे कुछ ये कटिंग करने का है। अभी क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा साफ करके लेते हैं और फिर लाइट इसमें फिट करते हैं। तो अभी देख सकते हैं लाइट फिटिंग कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। आप देख सकते हैं फिटिंग होने के बाद ऐसा लग रहा है लाइट प्रॉपर फिट हो गया उसके अंदर, बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ा। और ये ऊपर का ग्लास है, इसको भी हम लोग को ऐसे साइड से कट करना पड़ा, क्योंकि क्या ये पोर्शन है ना, ये उधर टच हो रहा था। तो चलिए मैं ऊपर का ग्लास भी लगा के लेता हूँ। ऊपर का ग्लास भी फिट हो गया उसके बाद ऐसे कुछ लुक आ रहा है। तो अभी क्या करते हैं, इसको वापस हीट गन से हीट करके नहीं पूरा बॉर्डर्स अंदर फंसा लेते हैं। तो अभी हमारा हेडलाइट फाइनल हो गया, आप देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा हीट गन से इसको चिपकाया है और वापस ये एल्यूमिनियम का वाटरप्रूफ टेप करके आता है ये लगा है, तो क्या है कहीं से भी लीकेज नहीं होगा। ये टेप आपको कहीं पर भी हार्डवेयर में मिल जाएगा। और हम लोग ने ऐसे वायर्स के लिए जगह छोड़ा, बाकी पूरा सील करके दिया। तो चलो अभी इसको फिट करके लेते हैं। तो अभी हमारा लाइट फिट हो गया, फिट होने के बाद लाइट ऐसे कुछ लग रहा है, अब देख सकते हैं। तो चलिए अभी ये पार्ट को गाड़ी में फिट करके लेते हैं और वायरिंग भी करके लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा फिटिंग हो गया, फिटिंग होने के बाद ऐसे कुछ लग रहा है, गाड़ी का लुक ही चेंज हो गया।
अभी मैं आपको लाइट ऑन करके भी बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं DRL ऑन हो चुका है। DRL हम लोग ने डायरेक्ट रखा है, तो अभी मैं आपको हेडलाइट ऑन करके बताता हूँ। तो देख सकते हैं ये लो बीम है और ये हाई बीम। तो यही था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट डाउन करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।